everybody, welcome back to my channel Rajveer Fitness Series. This is me, Rajveer Shishodia, and guys, the wait is over. बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कटिंग सीरीज का. जिन लोगों ने मेरे साथ गेनिंग सीरीज की थी उनका गेनिंग हो गई और वो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि सर गेनिंग तो हमारी अच्छी हो गई, अब हमें कटिंग करनी है बॉडी में. लेट करने का रीज़न ये था कि अगर आपको गेनिंग करते ही कटिंग पे ले आता तो आप फिर से आपकी बॉडी में जैसे टायर पंचर हो जाता, आप वैसे पंचर हो जाते और वापस वहीं पहुंच जाते जहां से आपने शुरू किया था. तो गेनिंग करने के बाद 3-4 महीने अपनी बॉडी को उस फेज़ में रोकना होता है, बॉडी को आदत डलवानी होती है गेनिंग की. तो गाइस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है थंबनेल में, ये मेरा लास्ट ईयर का ट्रांसफॉर्मेशन है. अब आधे लोगों को लगेगा क्या ये नेचुरल है या नेचुरल नहीं है. तो गाइस, नेचुरल नहीं है, झूठ बूट मैं बोलता नहीं हूँ. अब आधे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. वैष्णो देवी आप सारे लोग गए होंगे या गए नहीं होंगे तो सुना होगा. सपोज करो ये वैष्णो देवी है, ये जो कवर है, और इसके तीन रास्ते हैं. एक ये जो रास्ता ये पैदल वालों का है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना खच्चर ना हेलीकॉप्टर, या जो लोग पैदल जाना चाहते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी पैदल जाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो कि खच्चर से जाते हैं. जो खच्चर अफोर्ड कर सकते हैं खच्चर से जाते हैं. और ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और पैसे की उनको वैल्यू नहीं है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं. तो अल्टीमेटली तीनों का गोल क्या है, वैष्णो देवी जाना है. तो ये जो पैदल वाले हैं ये थोड़ा लेट पहुँचेंगे, खच्चर वाले हैं ये थोड़ा इनसे जल्दी पहुँचेंगे, और ये जो हेलीकॉप्टर वाले हैं सबसे पहले पहुँचेंगे. तो यही बॉडी के साथ है, ये बॉडी है, ये आपको दिख रही है. तो ये वो लोग हैं जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या जो सप्लीमेंट लेना ही नहीं चाहते. तो डीमोटिवेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी नहीं होगी. ऑफकोर्स होगी, लेकिन इट विल टेक सम टाइम. ये जो दूसरे हैं ये सप्लीमेंट्स वाले हैं, तो ये इनसे थोड़ा तेज़ जाएंगे, लेकिन मंजिल इनकी यही है और जाना इनको यही है, बॉडी इनको यही अचीव करनी है. और ये जो ऊपर वाले हैं ये हैं हमारे साइकिल वाले. तो गाइज, ये साइकिल वाले हैं तो ये सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं. ये डॉक्टर भी अफोर्ड कर सकते हैं, ये डाइटिशियन भी अफोर्ड कर सकते हैं मेरे जैसे. तो इनके पास गाइडेंस है, इनके पास कोचेस हैं, तो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं. तो तीनों का कोई तालमेल नहीं है, जिनको ऐसे करना है वो ऐसे कर लें, जिनको ऐसे करना है वो ऐसे कर लें, जिनको ऐसे करना है वो ऐसे कर लें. लेकिन मंजिल एक ही है, इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इनको थोड़ा कम और इनको थोड़ा और कम. तो वो होने की ज़रूरत नहीं है. आपको अब लास्ट ईयर के ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिखेंगे स्क्रीन पर, आप एक बार देखिए और मोटिवेट हो जाइए. डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनमें जो बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनकी बॉडी फाड़ के बाहर आ रही है, वो साइकिल वाले हैं. और जिनकी नॉर्मल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है आप देखिए, उनकी बॉडी एकदम नेचुरल है. और जो गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखी होंगी, ये एकदम नेचुरल वाली हैं. अब गर्ल्स को तो कोई कम्पीट करना नहीं है या किसी को ऐप्स नहीं बनाने. दैट्स वाई ऑल द गर्ल्स आर 100% नेचुरल. सो गाइज, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये होती कैसे है, वो 27 दिन वाले गुरुजी क्या बोलते हैं आपके वो मुझे पता नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं. तो मैंने जो अपना वेट बढ़ाया है अभी आपको जैसे मैंने बताया, तो इसको आबादे लोग कहेंगे भाई तूने तो स्टेरॉइड लगा के बॉडी बना ली, तेरी तो पहले से बॉडी थी. ऐसा कुछ नहीं होता, मुझको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको करनी पड़ेगी. हाँ, मेरी मसल मेमोरी है, मेरी मसल मैच्योरिटी है, तो शायद उसका मुझे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ी बॉडी जल्दी बन जाएगी. तो उसमें आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. अब मैंने जो अपने आपको प्रॉमिस किया है वो आपको भी अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा. 90 दिन की सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ. ऑफिशियल डेट क्या है, ये जो मंडे आ रहा है, अब मंडे आ रहा है, इस मंडे से जो अगला मंडे है, मतलब कि अक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट मंडे होगा, उस मंडे से आपको आपकी वर्कआउट वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी. उससे पहले मैं आपको आपकी डाइट वीडियो दे दूंगा, सप्लीमेंट क्या खाना है वो वीडियो दे दूंगा. तो अब मैं आपको बात कर रहा था प्रॉमिस वाली. या मैंने अपने आपको ये प्रॉमिस किया कि अगले 90 दिन तक मैं एक भी दिन जिम नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं एक भी दिन जंक फूड नहीं खाने वाला हूँ, मैं एक भी दिन मीठा नहीं खाने वाला हूँ. ये प्रॉमिस आपको भी मेरी तरह करने पड़ेंगे कि आप ना तो कुछ मीठा खाएंगे अगले 90 दिन, ना ही एक भी दिन जिम मिस करेंगे. आप कितने भी टायर्ड हैं, कितने भी थके हुए हैं, एग्ज़ाम है, धरती पर प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, आपको जिम जाना ही जाना है. अब आधे लोग कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है. सो गाइज, अगर आप 1-1.5-2 घंटे के लिए जिम नहीं जा पाते तो आई वुड से चाहे आप 20 मिनट दौड़ के घर आ जाना, लेकिन वर्कआउट पर डे 1 घंटा ज़रूर करना. 1 घंटा नहीं मिलता तो आधा घंटा, नहीं तो 20 मिनट, चाहे आप दौड़ के घर आ जाओ, वो भी मैं कंसिडर करूँगा. अब मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 90 डेज़ में कैसे होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. अब जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आधे लोग मुझे कह रहे हैं सर इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन करना वो नेचुरल करना, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी. तो गाइज, मैं अगर नेचुरल भी करूँगा, मेरी बॉडी इतनी ख़राब नहीं है अभी आपको दिख रही होगी, तो मैं थोड़ा सा कार्डियो ज़्यादा करूँगा, बिकॉज आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस. मैं कार्डियो थोड़ा ज़्यादा करूँगा, डाइट भी अच्छे से मेंटेन कर लूँगा, सप्लीमेंटेशन भी अच्छा कर लूँगा. लेकिन जब बाद में बॉडी बन जाएगी, लोग मानेंगे क्या?
लोग मान लेंगे कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेचुरल है। अब अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल है तो मैं चलो ठीक है, अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं कर लेता हूँ नेचुरल, लेकिन लोग क्या मानेंगे। दैट्स वाई मैं पहले ही बोल देता हूँ कि हाँ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लूँगा, ताकि बाद में अगर मुझे कोई बोले कि फुद्दू बना रहे हो लोगों का, तो आई कुड से कि मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक दिमाग की गेम होती है, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो एंड में आई विल से कि मेरे पिछले वीडियोज उठा के देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि मैं तो साइकिल पर जाऊंगा, मैं ऐसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो गाइज इस तरह से अब मेरा क्या होता है कि मैं 3 महीने कोई काम नहीं करता हूँ। आप लोगों की 3 महीने की सीरीज है, ये मेरी 6 महीने की हो जाती है। आपका 90 दिन का वर्कआउट होता है, मेरा 180 दिन का हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप दिन में एक बार जिम जाओगे, मैं जिम में जाऊँगा 2 बार जिम। सुबह मैं कार्डियो करता हूँ 1 से 1.5 घंटा, 8 से 10 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ, उसके बाद मैं एब्स का वर्कआउट करता हूँ। शाम को मैं मेरी 1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मतलब कि अपने मसल्स का वर्कआउट करता हूँ। तो आप दिन में एक बार जा रहे हैं तो 90 दिन में आपका वर्कआउट हुआ 90 दिन। मैं दिन में 2 बार जा रहा हूँ तो मेरा वर्कआउट हुआ 90 दिन में 180 दिन। इस वजह से मेहनत मुझे भी डबल करनी पड़ती है, मेहनत मैं भी उतनी करता हूँ या कोई और बॉडी बिल्डर उतनी करता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसको आप ये सोचते हो कि स्टेरॉइड्स ले लिए या साइकिल चला ली या पहले से बॉडी थी इसलिए जल्दी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी जुबान का टेस्ट भूलना पड़ता है। अगर आपको कोई ऐसी उल्टू फुद्दू चीज़ें बोलता है कि 27 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गाइज अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो कि आने वाली है डाइट के ऊपर, जो कि आने वाली सप्लीमेंट के ऊपर। आप आधे लोग कहेंगे लो बजट पर डाइट बनाना, मैं सारी डाइट बनाने वाला हूँ, डाइट विद सप्लीमेंट्स नॉन वेज, डाइट विद सप्लीमेंट वेजिटेरियन, और लो बजट डाइट फॉर स्टूडेंट्स, ये डाइट मैं बनाने वाला हूँ। उसके बाद सप्लीमेंट स्टैक क्या क्या रखना है और उनको कैसे कब खाना है, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट मंडे मतलब कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से जो भी मंडे आएगा उसके एक दिन पहले से आपको वर्कआउट वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइस मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में कोई भी नया टक्कर में। बाय।